ऑर्गन फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन देन द कम्पोजिशन ऑफ ऑर्गन एंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गन टोस्टाग्राम सबसे पहले बात करें ऑर्गन जो है ये एक स्ट्रक्चरल हारेरिकी में एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल लेवल है ये सबसे पहले तमाम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल्स हैं सेल्स से अगर नीचे चले जाएँ तो सब सेलर ऑर्गेलीज हैं मालिक्यूल्स हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि एटम्स के मिलने से मालिक्यूल्स मालिक्यूज के मिलने से सेल सेलुलर ऑर्गेनालिज ऑर्गेनालिज कट्ठी होकर सेल्स बने सेल से टिश्यूज़ और इससे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलेंगे इकट्ठे होंगे तो उससे क्या बनेगा एक ऑर्गन बनेगा तो ये स्ट्रक्चर लेवल है ऑर्गन ऑर्गन आमतौर पर स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं एंड दे इसको अगर डिफाइन हम करें तो हम यू कहेंगे ऑर्गन इज अ स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन तो ऑर्गन को हम दो तरह से कैट यानी दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर फोकस करते हैं ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के मोस्ट टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ऑर्गन इज स्पेसिफिक फॉर पार्टिकुलर फंक्शन किसी एक काम के लिए क्या होता है स्पेशलाइज होता है इसके एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि जैसे हमारा हार्ट जो है दिल जो है वो एक ऑर्गन है जो स्पेशलाइज है किसमें ब्लड को पंप करने के अंदर ब्लड को पंप पंप करेगा सर्कुलेट करेगा इसी तरह से हमारे लंग्स लंग्स भी एक ऑर्गन है जो कि स्पेशलाइज हैं गैश एक्सचेंज के लिए सिमिलरली हमारा स्टॉमिक एक ऑर्गन है जो आमतौर पर क्या कहता है डाइजेशन से रिलेवेंट एक्टिविटीज जो परफॉर्म करता है तो ऑर्गन की खास पहचान यह है कि दे आर स्पेशलाइज फॉर टिपिकल फंक्शन वो किसी एक फंक्शन को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं कंपोजिशन ऑफ ऑर्गन अभी जब हमने कहा है कि ऑर्गन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना होता है अच्छा ये टिशूज होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के हैं लेकिन दे आर परफार्मिंग रिलेटेड फंक्शन रिलेटेड फंक्शन है जैसे सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको दूँ स्टोमिक uh, है स्टोमिक को अगर हम देखें बनाने वाले जो टिशूज़ हैं स्टोमिक को एपीथिल टिशूज हैं बना रहे हैं स्टोमिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिशूज़ हैं इसका कनेक्टिव टिशूज़ मौजूद हैं अब इनके फंक्शन देखे जाएँ एपीथिल टिशूज़ क्या करते हैं एपिथिलियल टिश्यूज बेसिकली सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को जिसने डाइजेशन करनी है मसल टिश्यूज़ क्या करते हैं दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो फूड की अच्छी तरह चर्निंग होती है मिक्सिंग होती है जो हम खाना खाते हैं स्टोमिक जाकर ऐसी चर्निंग करता है बिल्कुल लिक्विड हो जाता है अब अगेन ये काम भी डाइजेशन से रेलिवेंट है तो एपीथिलियल टिश्यूज भी डायजेशन का, का काम कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यूज भी क्या कर रहे हैं डाइजेशन का काम कर रहे हैं तो स्टोमिक यही होता है कि स्टोमिक के अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं लेकिन वो सेम फंक्शन एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने में एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे होते हैं एक दूसरे को जब वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं दूसरे के साथ ये हमारे पास स्ट्रक्चर है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गन हियर वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमिक स्टोमिक स्ट्रक्चर में बॉडी वाल बॉडी वाल को अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो दिस इज द एपिथिलियम जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से लेबल किया गया है इस तरह से इसके बाद आगे म्यूकोजल मसल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं और उसके बाद सॉब म्यूकोजा है जो म्यूकस है इसने गैस्ट्रिक जूस क्रिएट करना है म्यूकोजल मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है जिसकी वजह से फूड को अच्छी तरह मिक्सअप सो ऑल दीज थिंग्स ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं दे आर हेल्पिंग द ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी हमारे बॉडी के अंदर एनिम जनरल एनिमल्स के अंदर दे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स बॉडी ऑर्गन का नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा प्लांट्स में एनिमल्स में बॉडी ऑर्गन ज़्यादा होते हैं उसकी बेसिक रीजन ये है कि प्लांट्स जो होते हैं उनका लाइफ बड़ा सिंपल है उनके अंदर फ्यू ऑर्गन्स हैं जबकि एनिमल्स आर मच मोर कम्प्लेक्स एनिमल ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं इस वजह से उनके अंदर बॉडी ऑर्गन्स की तादाद भी ज़्यादा है बॉडी ऑर्गन जहाँ हमारे पास वी आर हैविंग हार्ट हार्ट का मसल क्या फंक्शन होगा पंप द ब्लड स्टोमिक डाइजेशन लिवर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ लिवर एक सबसे बड़ा बॉडी ऑर्गन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में वैसे तो कहते हैं स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है लेकिन स्किन की अगर हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन की बात करते हैं तो उसमें लिवर जो है वो लार्जेस्ट इंटरनल बॉडी ऑर्गन है जिसका बेसिक काम क्या होगा बायोकेमिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करना है किडनीज किडनीज का काम है यूरिन फार्म एक्सक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं यानी कि बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने का काम करते हैं लंग्स आर फॉर गैश एक्सचेंज आप यहाँ एक चीज़ याद रखें कि जितने भी जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं दे आर परफॉर्मिंग सिंगल फंक्शन आम यानी कि एक तरह का फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं और ये फंक्शन आमतौर पर किसी पूरे प्रोसेस का हिस्सा होता है जैसे हार्ट अगर ब्लड को पंप कर रहा है तो ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है ब्लड सर्कुलेशन में रोल प्ले कर रहा है स्टोमिक अगर डाइजेशन कर रहा है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है जो पूरे डाइजेशन एब्जॉर्बन को जो कंट्रोल करने वाली एक पूरा जो प्रोसेस है उसमें से एक फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म करेगा तो स्टोमिक आमतौर पर या कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है वो आमतौर पर किसी प्रोसेस का एक फंक्शन परफॉर्म करता है